गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फंडामेंटल पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है और पार्ट 23 बेटा, राइट। अभी भी चल रहा है क्वेश्चन, टॉपिक जो चल रहा है इंटरेस्ट कैपिटल चल रहा है, क्लियर बेटा। और इंटरेस्ट कैपिटल में यहाँ पे जो दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें ये सिंपल मेथड को फॉलो नहीं करूँगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर जो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सिंपल मेथड से मैंने कई बार बता दिया। एक क्वेश्चन को मैंने कई मेथड से बता दिया, दो तीन मेथड से बता दिया, राइट है। पर तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रोडक्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन अप्रैल 1, 2020 आर्यन एंड आरव एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ केमिस्ट। वही बेटा ऑल दी बेस्ट। इंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ केमिस्ट। आर्यन एंड आरव इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। फर्दर आरव इंट्रोड्यूस एंड विड्रू इंट्रोड्यूस एंड विड्रू द कैपिटल विच आर एज फॉलोज। ये डेट है बेटा, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस है और ये कैपिटल विड्रोन है। देखिए 1 मई 2020 को कितना, 20,000। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया मतलब कैपिटल आया, रामनंद जाना बेटा ऐसा है ना। फिर 30 जून को क्या क्या 10,000 अपना कैपिटल निकाल लिया। फिर 30 सितंबर को ₹1 लाख और डाला। फिर 1 फरवरी को 20,000 निकाल लिया, ठीक बेटा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, बोलते 8% पर एनम के हिसाब से क्या कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। और यहाँ पे नहीं बोला कि किसका निकाला है, कि ए का ये आर्यन का निकालना है या रुपये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक हम जितना भी पार्टनर होगा सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, यदि स्पेशली नहीं बता रखा है तो, ठीक बेटा। और इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेटर को फॉलो करेंगे, किसका, आर्यन का। और आरव का आर्यन का चूंकि एक ही है इसलिए आराम से सिंपल मेथड में फॉलो कर लेंगे। ध्यान देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर आर्यन। आर्यन देखिए आईयूसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100। चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, बीच में कोई कैपिटल नहीं लाया आर्यन ने और ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ना इंट्रोड्यूस किया ना विड्रॉन किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए होल ईयर का निकालिए तो क्या हो गया, 2 लाख इंटू रेट, ये कैपिटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 है, तो 2 लाख इंटू 8 बाई 100 इक्वल टू 20 कितना है बेटा, 16,000, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, आरव कैसे निकालते हैं, फॉर आरव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड से निकाले बेटा, फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड डेट देखो, आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया 2 लाख रुपये से, तो 1 अप्रैल 2 लाख लिख दिया। फिर आपने क्या किया, 1 मई को 20,000 और कैपिटल में लाया 20,000, तो 2 लाख 20,000 और आ गया, कितना का बेटा, 2 लाख 20,000। फिर आपने 30 जून को क्या किया, 10,000 निकाल लिया, तो 30 जून को 2 लाख 20,000 में से 10,000 निकाल लिया, कितना है बेटा, 2 लाख 10,000। फिर देखिए 30 सितंबर को 1 लाख और लाया एज ए कैपिटल, तो 2 लाख 10,000 प्लस 1 लाख कितना आ गया, 3 लाख 10,000। फिर आपने 1 फरवरी को 80,000 निकाल लिया, तो 1 फरवरी 2021 को 3 लाख 10,000 में से 80,000 निकाल लिया, तो कितना बैलेंस बचा, 2 लाख 30,000, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मंथ के लिए क्या बताया था, कि दो कोरस्पेंडिंग डेट के बीच का जो गैप होगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इन दोनों के बीच का गैप नंबर ऑफ मंथ आएगा, फिर ये दोनों के बीच का गैप नंबर ऑफ मंथ आएगा,
फिर ये दोनों के बीच का गैप नवर्तमान से आएगा, फिर ये दोनों बीच का गैप नवर्तमान से होगा। तो लास्ट ट्रांजेक्शन लेने जिस दिन अकाउंट क्लोज कर रहे ये यहां से लेके यहां देखोगे लास्ट ट्रांजेक्शन इंटू क्लोज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट के बीच में जो गैप होगा। तो देखिए फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट मई के बीच में कितने मंथ का गैप है, 1 मंथ का गैप है, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट मई और 30 जून के बीच में कितने मंथ का गैप है, मई जून 2 मंथ का गैप है, ठीक है बेटा। फिर 30 जून से 30 सितंबर के बीच में कितने मंथ का गैप है, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का गैप है, ठीक है बेटा। फिर देखिए 30 सितंबर से लेकर के 1 फरवरी के बीच में कितने मंथ का गैप है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 4 मंथ का गैप है, ठीक है। और 1 फरवरी से लेकर के 31st सॉरी आई एम सॉरी बेटा यहाँ पे मार्च 31st होता है, थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 यहां से यहां के बीच में गैप जो है ₹2,30,000 बेटा, हाँ ₹2,30,000। और अब यहां से यहां के बीच का गैप कितनी है, तो फरवरी मार्च 2 मंथ का गैप है बेटा, ये बात नहीं। इंटरेस्ट कैपिटल में हमेशा 2 करेस्पॉन्डिंग कैपिटल के बीच का गैप लेंगे, और लास्ट का क्या लेंगे, लास्ट ट्रांजेक्शन प्लस क्लोज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट के बीच का जो गैप है वो लेके चलेंगे। अब देखिए 2 लाख × 2 कितना का बेटा, 2 लाख 2,20,000 × 2 4,40,000। ये दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने वाला जो फिगर आएगा वो प्रोडक्ट में लिख देंगे। 2,10,000 × 3 6,30,000। फिर 3,10,000 × 4 4 लाख ये 12,40,000 12,40,000 और 2,30,000 × 2 6,60,000, ठीक बेटा। अब इसकी टोटल कर लीजिए, टू लैख थर्टी इंटू टू आपका होगा 4,60,000, ये आ जाएगा बेटा 4,60,000। अब इन सबों का टोटल कर लिया बेटा, यहां से लेके यहां तक का टोटल कर लिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक बेटा। तो देखिए वो कितना आता है, ये आपका था 29,70,000। ये आ गया बेटा, बस आराम से निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू आईयूसी लिख देता बेटा, सर जल्दी हो जाएगा। आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम सम ऑफ द प्रोडक्ट
सम ऑफ दिस प्रोडक्ट into great way. Rate of rate by 100. ये जो रेट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, इतना लंबा नहीं लिखा इसलिए मैंने सिर्फ रेट लिख दिया, इंटू 1/12. ठीक है, अपन अपन कर दीजिए. ₹29,70,000 है इंटू 8 है ओवर 100 है इंटू 1/12 है. इंटू 1/12 बेटा. ठीक है, ये कैलकुलेशन है, अब गोश कीजिए. देखिए बेटा, ये से एक दो दो जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3. ठीक है, अब 29,700 को 29,700 को 3 से जब कैलकुलेट करते हैं ठीक है, 29,700 डिवाइड बाय 3, 9,000 29,700 डिवाइड बाय 3, 9,900 इंटू 2, 19,800 होता है. देखिए इसको से कर दिया कि आ गया 9,900 हो गया और इंटू 2. ठीक है, आपका हो गया रुपीज 19,800. ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. इस बच्चे के लिए क्लियर है. ठीक है, 19,800 बेटा. हेलो बेटा, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा. काफी सारे क्वेश्चन डाले बेटा, इंटरेस्ट ऑन डॉइंग से 10 क्वेश्चन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी अभी करीब करीब 8 क्वेश्चन तो हो गया. ठीक है, 2-3 और डालूंगा, मतलब हर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन डाला है. ठीक बेटा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए, और यदि कुछ और आपको चाहिए तो बेटा आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए.